बागपत जेल में मुन्ना बजरंगी कांड के बाद मंडल कारागार बांदा में बंद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी सदमे में है। उसे भी मुन्ना बजरंगी जैसी मौत के आभास से डर लग रहा है। आपको बता दें कि पूर्वांचल का कुख्यात डॉन मुख्तार अंसारी इस समय बांदा जेल में बंद है। बीते दिनों मुन्ना बजरंगी की हत्या के बाद से मुख्तार अंसारी बेहद सदमे से गुजर रहा है। मुख्तार को इस समय अपनी जान का खतरा सता रहा है। उसे लग रहा है कि उसके कुकर्मों की सजा मुन्ना बजरंगी की तरह ही ना दे दी जाए। मुख्तार के डर के वजह से बांदा जिला प्रशासन व जेल प्रशासन ने मुख्तार की सुरक्षा बढ़ा दी है, साथ ही जेल की पहरेदारी भी चाक चौबंद कर दी गई है। मुख्तार की सुरक्षा को लेकर प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता। वहीं दूसरी तरफ बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के परिवार ने भी उनकी सुरक्षा की मांग की है। सूत्रों की माने तो खतरे को देखते हुए बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पिछले दो दिन से अपनी बैरक से बाहर नहीं आया और ना ही खाना पीना खा रहा है। मुख्तार बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय की हत्या सहित कई आपराधिक मामलों में सजा काट रहा है। और मेरा भाई बांदा जेल में बंद है, उस मामले में आया था, उसको पुलिस ने फर्जी फंसाया है। उसको उठा के 2 तारीख को उठाया था उन्होंने, और जब से उसको बबेरू में रखे थे, बबेरू के बाद आके बांदा में रख दिया गया है। और जब मैंने इंक्वायरी किया तो कुछ बताया नहीं गया, और उसके बाद उसको 10 तारीख को फर्जी केस में फंसा दिया गया है और उसको बांदा जेल में डाल दिया गया है, जिसकी वजह से पुलिस वाले उसको टॉर्चर भी कर रहे हैं। इसलिए हमको थोड़ा डर है कहीं कोई संगीन जुर्म में ना फंसा दिया जाए, और उसे मारपीट करते हैं और दुनिया के हादसे यहाँ बांदा जेल में होते रहते हैं, तो वो चीज़ की हमें चिंता है। और हमारी सरकार से निवेदन है कि इसका मालूमात की जाए सही और मेरे भाई को छोड़ दिया जाए। अपर SP बांदा ने बताया कि जेल की बाहरी सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी गई है। जेल के मुख्य द्वार पर पुलिस के अलावा PSC के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। अन्य बंदियों से मुलाकातियों पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है और उनकी सघन तलाशी भी ली जा रही है। न्यूज़ BK के लिए बांदा से जितेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।